छात्रों, आप सभी का स्वागत है बही खाता लेखा कर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कक्षा 12वीं। आज हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 में जब कोई फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तब उस संबंध में फर्म का पुनर्गठन होता है, यह सब हम जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साझेदारी के प्रवेश से क्या आशय है। जैसा कि अभी बताया कि जब कोई विद्यमान फर्म में या विद्यमान साझेदारों के संगठन में जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वो क्या कहलाता है, और इसी स्थिति में जब कोई नया साझेदार जो प्रवेश लेता है तो उस प्रवेश के संबंध में फर्म की दशाएँ क्या होती हैं, साझेदार के प्रवेश की दशाएँ क्या हैं, ये हम जानेंगे। साझेदारी संगठन फर्म का पुनर्गठन होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही नए साझेदार के प्रवेश होने से पुराने साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है और पुराने साझेदार जो हैं अपने हिस्से का त्याग करते हैं। साथ ही नए लाभ हानि अनुपात में त्याग अनुपात गणना की जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं फर्म में साझेदारी के प्रवेश के अंतर्गत। यहाँ है आपके नए साझेदार का प्रवेश। तो इसका जो आशय है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 31(1) के अंतर्गत, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विद्यमान साझेदारों की सहमति से जब नए साझेदार को फर्म में सम्मिलित करते हैं तो अधिनियम की धारा 31(2) के अनुसार नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व फर्म द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। अर्थात यहाँ पर आशय यह है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो धारा 31(2) के अनुसार जो नया साझेदार है वो फर्म के द्वारा पूर्व में किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। जिस तिथि से वो फर्म में प्रवेश कर लेता है उस तिथि से वो फर्म के कार्यों के प्रति जिम्मेदार होता है। अब दूसरी चीज़ आती है, नए साझेदार को फर्म के भविष्य में लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। जो नया साझेदार आता है भविष्य में जो भी लाभ फर्म का होता है उसका हिस्सा पाने का वो अधिकार होता है। ये हिस्सा चाहे तो एक साझेदार या सभी साझेदार मिलकर त्याग कर सकते हैं। अब फर्म के जो लाभ का हिस्सा है पुराने साझेदारों को अब नए साझेदार का हिस्सा देने के लिए अपने हित का यहाँ पर त्याग करना पड़ेगा। तो इसमें यदि कोई एक साझेदार भी त्याग कर सकता है या सभी साझेदार मिलकर थोड़ा थोड़ा त्याग कर सकते हैं, जिसके लिए नए साझेदार के प्रवेश पर त्याग अनुपात की गणना व नए लाभ हानि अनुपात की गणना की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात की हमें गणना करना पड़ती है, और जो अब नए साझेदार के प्रवेश होने से नए लाभ हानि के अनुपात की गणना करना है उसकी जरूरत पड़ती है। नया साझेदार फर्म की संपत्ति व लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार जो है आता है वो पूंजी के रूप में प्रतिफल देता है। साथ ही भविष्य में लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति के रूप में भी प्रतिफल देता है। अब यहाँ पर नए साझेदार के प्रवेश के समय संचय एवं अवतरित लाभ व हानि को, जो पुराने साझेदारों के समय जो पुराना सामान्य संचय था, अवतरित लाभ था व हानि थी, उसको जो है पुराने साझेदारों के मध्य बांट दिया जाता है, एवं जो संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, इस पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ या हानि होती है इस पर ये लाभ हानि भी पुराने साझेदारों के मध्य बांट दी जाती है। तो यहाँ नए साझेदार के प्रवेश जब होता है उसके पूर्व जब हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ या हानि है, पुराना जो संचय अवतरित लाभ है, ये सब पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। तो ये जो है नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित बातें। अभी दशाएं, किन स्थितियों में एक नया साझेदार जो है फर्म में प्रवेश पाता है, अर्थात भी कौन सी स्थितियां हैं या दशाएं हैं जिन स्थितियों में हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं। तो जैसा कि पहला बिंदु है पूंजी की पूर्ति के लिए, स्वाभाविक है कि जब हम व्यवसाय का विकास करते हैं, विस्तार करते हैं, तो हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है,
और ये अतिरिक्त पूंजी, अधिक पूंजी हम कहां से प्राप्त करेंगे, इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। दूसरा बिंदु जो है संचालन क्षमता में वृद्धि के लिए, व्यापार को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए विशिष्ट ज्ञान कौशल एवं दक्ष व्यक्ति को प्रवेश दिया जाता है। अब हमें यहाँ पर यदि जो फर्म की संचालन क्षमता है, फर्म को बढ़ाने के लिए, बेहतर काम करने के लिए कुछ अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता है, जो विशिष्ट ज्ञान वाले हैं, कुशल व्यक्ति हैं, कुछ दक्ष योग्यता वाले व्यक्ति हैं, तो इसके लिए भी हमें नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देना होता है। तीसरा बिंदु है प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए, तो कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जब हमें व्यवसाय को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए, उसके नाम, उसकी कीर्ति, उसके यश के लिए कुछ बेहतर लोगों की हमें आवश्यकता होती है, जिनका बड़ा नाम हो, तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को भी हम नए साझेदार के रूप में यहाँ प्रवेश देते हैं। फिर यदि कोई साझेदार की निवृत्ति हो गई या मृत्यु हो गई, तो जब कोई साझेदार फर्म से अलग हो जाता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें नए साझेदार को प्रवेश देना होता है, ताकि जो उस संगठन के उस फर्म में जितने साझेदार हैं वो यथावत बने रहें। तो यदि कोई साझेदार की निवृत्ति हो जाती, रिटायर हो जाता है या मृत्यु हो जाती, तो उसके स्थान पर भी हम नए व्यक्ति को प्रवेश दे सकते हैं। इसके बाद है कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए। अब उस फर्म में कोई बहुत बेहतर कर्मचारी हैं, कोई मैनेजर बढ़िया काम कर रहा है, अकाउंटेंट है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम उसको साझेदार यहाँ पर बना सकते हैं। फिर विदेशी व्यापार की दशा में, यदि विदेशों में व्यापार हमें स्थापित करना है, तो उस देश के व्यक्ति को वहाँ व्यापार संचालित करने के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। अर्थात यदि विदेश में हमें व्यवसाय को संचालित कर स्थापित करना है, उसकी शाखा को, तो वहाँ के व्यक्ति को भी हम साझेदार बना सकते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए, व्यापार में यदि बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रतिस्पर्धी व्यक्ति या फर्म को साझेदार में हम प्रवेश देकर स्पर्धा को हम यहाँ समाप्त कर सकते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, पूंजी की पूर्ति के लिए, संचालन क्षमता वृद्धि के लिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए, इन दशाओं में जो है हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं। यहां हम देखते हैं एक नए साझेदार के प्रवेश के समय साझेदारी संगठन फर्म का जो पुनर्गठन होता है वो किन स्थितियों में है, साथ ही कौन से जो समायोजन उसमें होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो किसी विद्यमान साझेदारी संगठन में एक साझेदारी का प्रवेश व्यवसाय का पुनर्गठन है। तो किसी विद्यमान साझेदारी, अर्थात जो साझेदारी पहले से है, उस साझेदारी में यदि कोई साझेदार प्रवेश करता है, तो वो क्या है, व्यवसाय का पुनर्गठन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने साझेदारों के बीच जो अनुबंध है वो समाप्त हो जाता है, और अब पुनः नए साझेदार के आ जाने से क्या होता है, नया अनुबंध तैयार किया जाता है। अर्थात पुराने साझेदारी संलेख के स्थान पर नया साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है। इस स्थिति में नए साझेदार को प्रवेश देने पर पुराने साझेदारों के हितों में व फर्म के स्वरूप में परिवर्तन करना होता है, जिसमें हमें कुछ समायोजन करने होते हैं। तो जैसे सबसे पहला है लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन व त्याग अनुपात की गणना। अब जैसा कि भी बताया था मैंने कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है, तो पुराने साझेदारों के बीच में जो पुराना लाभ हानि अनुपात है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब नए साझेदार के आने से नया अनुपात यहाँ पर तैयार होता है। और त्याग अनुपात क्या है, त्याग अनुपात जब पुराने साझेदार नए साझेदार को सम्मिलित करने के लिए अपने लाभ का हिस्सा, हानि का हिस्सा जो त्याग करते हैं, वो कहलाता है यहाँ त्याग अनुपात। तो पहला समायोजन क्या होता है, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन व त्याग अनुपात की गणना करना। दूसरा हम करते हैं ख्याति के व्यवहार का लेखांकन। अब ख्याति के व्यवहार का लेखांकन जो है, लेखांकन मानक 26 के अनुसार, 26 के अनुसार किया जाता है। ये यहाँ पर ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है कि ख्याति के व्यवहार का लेखांकन मानक 26 के अनुसार किया जाता है। तो ख्याति क्या है, यहाँ पर गुडविल जो व्यवसाय की साख है उसका मौद्रिक मूल्यांकन। अब जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तो उससे ख्याति की रकम मंगाई जाती है। तो उस ख्याति की रकम को या तो पुराने साझेदार आपस में बांट लेते हैं या व्यवसाय में ही रहने दिया जाता है।
तो इसका लेखांकन हम किस प्रकार से करेंगे ये देखेंगे। फिर अवतरित लाभ व संचय का लेखांकन, जो पुराना लाभ है पुराना संचय है उसका लेखांकन किस प्रकार से होगा इसका समायोजन देखेंगे। साथ ही संपत्ति व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लेखांकन, पुरानी संपत्तियां और जो दायित्व हैं उनका पुनर्मूल्यांकन और साझेदारी पूंजी खातों का समायोजन नए लाभ हानि अनुपात में। अब जो यहाँ साझेदारों की पूंजी होगी वो किस अनुपात में होगी, नए लाभ हानि अनुपात में। यहाँ हम पहली बिंदु पर चर्चा करते हैं लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन व त्याग अनुपात की गणना इस बिंदु के आधार पर। तो नए साझेदार के प्रवेश के समय जब विद्यमान साझेदार अपने लाभ के हिस्से में से एक भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं तो यहाँ पुराने साझेदार जिस अनुपात में नए साझेदार के लिए भाग का अंशदान करते हैं उस भाग को लेखांकन की भाषा में हम त्याग अनुपात कहते हैं। तो पुराने साझेदार जिस अनुपात में नए साझेदार के लिए भाग का हिस्सा अंशदान करते हैं अर्थात अपना हिस्सा छोड़ते हैं वो हिस्सा क्या है, पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात है। अब यहाँ जिस अनुपात में नए साझेदार सहित आपस में जो लाभ बांटते हैं उसे हम नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर नए साझेदार के आ जाने से जो हम नया लाभ हानि अनुपात बनाते हैं वो नया लाभ हानि अनुपात कहलाता है। यहाँ इस सूत्र के माध्यम से हम उसको देखेंगे, नया लाभ हानि अनुपात बराबर पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस त्याग अनुपात। अर्थात नया लाभ हानि अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पुराने लाभ हानि अनुपात में से हम पुराने साझेदारों के द्वारा जो त्याग अनुपात है उसको हम माइनस करेंगे तो नया लाभ हानि अनुपात प्राप्त होगा। फिर दूसरा त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। अब त्याग अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो पुराना लाभ हानि अनुपात है पुराने साझेदारों का और अब जो नया लाभ हानि अनुपात बना है तो प्रत्येक साझेदार के पुराने लाभ हानि अनुपात में से हम नए लाभ हानि अनुपात को प्रत्येक साझेदार को जो बन रहा है उसको माइनस करेंगे तो उसका त्याग अनुपात प्राप्त होगा। तो इसकी जो चार प्रकार की स्थितियां हैं, जब केवल नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया हो तो इस स्थिति में क्या है कि जब नए साझेदार का जो लाभ का हिस्सा है वो बस दिया हो तब इस स्थिति में, और साथ ही पुराना अनुपात पुराने साझेदारों का दिया है तो इस स्थिति में हम किस प्रकार से गणना करेंगे ये हम देखेंगे। यहाँ कि पुराने साझेदारों का के साथ स्पष्ट ना हो कि नए साझेदार ने पुराने साझेदार से अपने लाभ का अनुपात किस अनुपात में लिया है तो यह मान लिया जाता है कि पुराने साझेदारों के बीच लाभ के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है और वे पुराने अनुपात में ही लाभ का विभाजन कर रहे हैं। इस स्थिति में पुराने साझेदारों का पुराना लाभ हानि अनुपात तथा त्याग अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए हम जो प्रक्रिया क्रम से अपनाएंगे वो क्या है, इस स्थिति में हम मानेंगे कि माना फर्म का लाभ एक है। अब इस एक में से क्या करेंगे, हम नए फर्म में पुराने साझेदारों के संयुक्त लाभ की गणना के लिए एक में से नए साझेदार का लाभ का हिस्सा घटा देंगे। जैसे कि माना फर्म का लाभ एक है, अब दो साझेदार हैं मान लीजिए वो बराबर बराबर साझेदार हैं, एक बटे दो, तो यहाँ हम ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस एक बटे दो, इसी प्रकार से हम यहाँ हिस्सा निकालेंगे दोनों का। फिर पुराने साझेदार के नए अनुपात की गणना करेंगे, अब यह घटा देंगे और हम पुराने साझेदार के नए अनुपात की गणना करेंगे। शेष संयुक्त लाभ के हिस्से में पुराने साझेदार के पुराने अनुपात का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ हिस्सा मिलेगा इसको हम पुराने लाभ में अनुपात में गुणा कर देंगे। अब प्राप्त अनुपात जो है पुराने साझेदारों का क्या कहलाएगा, नया अनुपात कहलाएगा। तो त्याग अनुपात की गणना के लिए पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में से हम नया अनुपात यहाँ पर घटाएंगे। त्याग अनुपात को ज्ञात करने के लिए पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में से नया अनुपात जो हमें प्राप्त होगा वो हम घटाएंगे। हमारे सामने ये जब केवल नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया हो उससे जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न यहाँ हम देखते हैं कि आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ व हानि को क्रमशः 3:2 में बांटते हैं, अर्थात आ का हिस्सा है यहाँ 3/5 और बा का हिस्सा है 3/2/5।
अब उन्होंने यहाँ सा को 1/5 के लिए नए साझेदार के रूप में प्रवेश कराया, तो नए लाभहानि अनुपात व त्याग अनुपात की गणना हमें यहाँ करना है। तो सूत्र यहाँ हमने बताया था कि नया लाभहानि अनुपात यहाँ हम पहले निकालेंगे। तो यहाँ जैसा कि अभी हमने बताया कि जब यहाँ पर नया अनुपात ना दिया हो तो हमें क्या करना है, संपूर्ण फर्म के हिस्से को क्या मान लेना, एक मान लेना है, और इसमें से जो नया हिस्सा नए साझेदार को दिया जा रहा है उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, 4/5। अब ये 4/5 हिस्सा जो है उसमें आ का भी हिस्सा है और बा का भी, तो यहाँ जो प्राप्ति का हिस्सा आएगा उनका 3/5 पुराना अनुपात गुणित शेष फर्म का जो भाग है 4/5, उसको हम दोनों को गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आ को जो प्राप्त हिस्सा है नए अनुपात का वो 12/25, इसी प्रकार से बा को प्राप्त, बा का जो पुराना अनुपात है 2/5, तो 2/5 गुणित फर्म का शेष भाग जो है 4/5, तो इसका हिस्सा बनता है यहाँ 8/25, 4 × 8 = 25, 8/25। अब सा को जो हिस्सा है वो प्राप्त कितना है, 1/5, या तो इसको हम 5/25 भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अनुपात हम देखते हैं कि 12:8/5/25, मतलब यहाँ पर 12:8/5, अर्थात 12:8/5। तो ये क्या हो गया, 12:8/5 नया अनुपात। अब त्याग अनुपात बराबर क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 3/5 और 2/5, नया अनुपात हमारे पास आ गया 12/25 और 8/25 आ और बा का। तो आ के द्वारा जो त्याग है वो क्या करेंगे, हम उसके पुराने अनुपात 3/5 में से नया अनुपात 12/25 माइनस करेंगे, तो 15 − 12/25 बराबर 3/25। तो आ का जो त्याग का हिस्सा है वो कितना, 3/25। बा का जो त्याग का हिस्सा है उसके पुराना अनुपात 2/5 में से हम 8/25 माइनस करते हैं, तो या था 10 − 8/25 बराबर 2/25। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनका जो त्याग अनुपात है वो 3:2। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पुराने साझेदारों के द्वारा जो त्याग किया जा रहा है वो 3:2 में, और इनका जो नया अनुपात आ गया वो 12:8/5। तो ये स्थिति कब है, जबकि नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया हो, सिर्फ नए का, पुराने का नहीं दिया। तो ये हमने यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से जाना। अब हमारे सामने दूसरी स्थिति यहाँ पर ही आती है कि जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग विद्यमान साझेदारों से क्रय करता है, तो जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में खरीदता है, तो नए लाभ हानि अनुपात की गणना के लिए हम निम्न प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसमें जो है पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में से नए साझेदार को मिलने वाला लाभ का हिस्सा घटा दिया जाता है। यहाँ जो पुराने साझेदारों को जो लाभ का हिस्सा है उसमें नए साझेदार को जो लाभ का हिस्सा हम दे रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। पुराने साझेदारों का बचा हुआ लाभ का हिस्सा ही उनका नया अनुपात, लाभहानि अनुपात होगा। तो ये माइनस करने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा वही नया लाभहानि अनुपात होगा। दूसरा, नए साझेदार के लाभ का हिस्सा पुराने साझेदार द्वारा दिए गए हिस्से को हम जोड़कर ज्ञात कर लेते हैं, और त्याग अनुपात की गणना जो है हम उसी अनुसार करते हैं। यहाँ पर पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। तो ये जो है ये स्थितियाँ हैं जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग विद्यमान साझेदार से क्रय करता है। इससे संबंधित हम यहाँ एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं कि यहाँ हम ये देखते हैं, हमारे सामने एक और अभ्यास प्रश्न सामने है कि जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग विद्यमान साझेदार से खरीदता है, क्रय करता है, तो आबा एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभ के हिस्से को 3:7 में बांटते हैं। सा को नए साझेदार के रूप में प्रवेश कराया, ये नया साझेदार जो है आ से 1/7 प्राप्त करता है और बा से 2/7 भाग प्राप्त करता है। अब यहाँ हमें नए लाभहानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करना है। तो नया लाभहानि अनुपात हम यहाँ ज्ञात करेंगे, आ का जो नया लाभहानि अनुपात,
तो पुराना अनुपात कितना है उसका, 3:7 में से 3/10, तो 3/10 में से वो 1/7 का हिस्सा वो सा को दे रहा है, तो 3/10 माइनस 1/7, तो यहाँ हमने हल किया इसको, तो 21 - 10/70 बराबर 11/70 किसका नया लाभहानि अनुपात आया, ए का। ठीक इसी प्रकार से बी का नया लाभहानि अनुपात ज्ञात करते हैं हम यहाँ, तो बी का पुराना अनुपात कितना है 7/10, ठीक 7 × 3 = 10, 7/10, तो यहाँ पुराना अनुपात 7/10। अब बी से सा जो है वो कितना भाग प्राप्त कर रहा, 2/7, तो अर्थात यहाँ पर बा जो है वो सा को अपने हिस्से में से 2/7 हिस्सा उसको दे रहा है, तो यहाँ बा का हिस्सा था 7/10, इसमें से माइनस किया हमने 2/7, तो ये आया 49/70, तो यहाँ इसका अनुपात हो गया 29। अब सा का कुल हिस्सा जो है, सा का कुल हिस्सा हम क्या जोड़ के प्राप्त कर लेंगे, 1/7 + 2/7, तो यहाँ पर दोनों का जब हमने निकाला तो ये आया 3/7। अब इस यहाँ पर इसका हिस्सा कितना हो गया 3/7, या इसको हम बोल सकते हैं 30/70, तो नया लाभहानि अनुपात हमारे पास आ गया, ये 11/70 हमने ये निकाला ए का, बी का निकाला 29/70, सी का जो 3/7 हिस्सा था उसको हमने 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो ये 30/70, तो 11:29/30/70 = यह अनुपात बन गया 11:29:30। अब त्याग अनुपात हमारे फिर वही सूत्र से कर लेंगे हम, नया लाभ हानि अनुपात त्याग अनुपात में पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात, तो यहाँ आके द्वारा जो त्याग का अनुपात है इसका पुराना अनुपात 3/10, इसमें से वो 11/70 माइनस दे रहा है इसको हिस्सा, तो उसका त्याग का हिस्सा है 10/70। बा का त्याग का अनुपात है 7/10 - 29/70, तो 49 - 29/70 = 20/70, यहाँ पर त्याग का अनुपात हो गया 10:20 या 1:2। ये जो प्रश्न है इसके अनुसार जो है, जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग विद्यमान साझेदार से खरीदता है, क्रय करता है, तो ये इसके माध्यम से हमने यहाँ पर नए लाभहानि अनुपात त्याग अनुपात की गणना को जाना। अब तीसरी स्थिति है हमारे पास, जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदार से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है, जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग पुराने साझेदार से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है, अर्थात यहाँ पर देखते हैं हम पुराना साझेदार क्या कर रहा, त्याग कर रहा, जो पुराने साझेदारों के लाभ का एक निश्चित भाग है, तो इस दशा में लाभ हानि अनुपात की गणना के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए। इसमें निम्न बिंदु के अंतर्गत हम जो यहाँ पर इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुराने साझेदार के द्वारा किए गए त्याग की मात्रा का निर्धारण करना है, अर्थात पुराना साझेदार किस अनुपात में त्याग कर रहा है इसको निर्धारित करना। इसके लिए क्या करना है, पुराने साझेदार के लाभ हानि अनुपात को उनके द्वारा दिए जाने वाले भाग से हमें क्या करना है, गुणा करना। फिर दूसरा, पुराने साझेदारों का नया अनुपात निकालना है, जैसा भी हम निकालते हैं पुराने साझेदारों का नया अनुपात, इस हेतु पुराने साझेदार के लाभ के हिस्से में से उनके द्वारा किए गए त्याग का हिस्सा हम घटाएंगे, तो प्राप्त जो शेष नया अनुपात होगा वो यहाँ पर हमें नया अनुपात प्रदान प्राप्त होगा। फिर नए साझेदारों का अनुपात निकालें, इस हेतु पुराने साझेदार द्वारा किए गए त्याग के हिस्से को हमें क्या करना है, जोड़ना, और प्राप्त अनुपात प्रवेश करने वाले साझेदार का नया अनुपात निकालेंगे। तो त्याग का अनुपात जो है पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार हमें निकालना है, जो कि हमने आपको बताया था, त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात। इससे जुड़ा हुआ हम एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं, ये हमारे सामने है, सुरेश और नरेश 3:5 के अनुपात में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं, वे महेश को नया साझेदार बनाते हैं। सुरेश और नरेश अपने भाग में से क्रमशः 1/7 और 1/14 का भाग महेश को देते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात हमें यहाँ निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुरेश और मोहन का जो पुराना अनुपात वो यहाँ हम देखेंगे कितना है, 3:5। यहाँ हमारे सामने सुरेश और नरेश 3:4 के अनुपात में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं।
वे महेश को नया साझेदार बनाते हैं। सुरेश और नरेश जो है क्रमशः अपने भाग का 1/7 भाग और 1/14 का भाग महेश को देते हैं, अर्थात सुरेश यहाँ पर 1/7 भाग दे रहा है, नरेश 1/14 भाग दे रहा है। तो नया लाभ विभाजन हमें अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम पुराना अनुपात जो है इनका 3:4, अर्थात 3:7:4:7 ये इनका जो है लाभ विभाजन का अनुपात है। अब सुरेश यहाँ त्याग कर रहा है 1/7 हिस्सा जो है सुरेश जो है यहाँ पर महेश के लिए त्याग कर रहा है। तो सुरेश जो कुल टोटल त्याग कर रहा है यहाँ पर 1/7 गुणित अपना हिस्सा 3/7 = 3/49। इसी प्रकार से नरेश त्याग कर रहा है 1/14 गुणित उसका जो हिस्सा है 4/7, तो उसका हिस्सा यहाँ पर त्याग कर रहा है 2/49। अर्थात यहाँ पर सुरेश व नरेश जो टोटल त्याग कर रहे हैं 3/49 अनुपात 2/49 के अनुपात में। तो यहाँ पर जो महेश का हिस्सा बनता है वो 3/49 × 2/49 = 5/49, अर्थात महेश यहाँ पर दोनों से मिलकर जो हिस्सा प्राप्त कर रहा है वो 5/49। अब सुरेश का जो है नया अनुपात क्या होगा, यहाँ पर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, जो सूत्र बताया था आपको कि नया अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना, हमें साझेदार के उस पुराने अनुपात में से उसमें से जो अभी नया त्याग किया उसने उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पुराना अनुपात 3/7, इसमें से हमने त्याग अनुपात जो था इसका सुरेश का 3/49 माइनस किया तो ये आया 18/49। अब यहाँ पर सुरेश का नया अनुपात कितना हो गया 18/49। नरेश का नया अनुपात हो गया यहाँ पर जो उसका त्याग अनुपात वो कितना है, पुराना अनुपात जो था 4/7, इसमें से जो उसका त्याग अनुपात है 2/49, तो इसको हमने माइनस किया तो 28 − 2/49 = इसका हिस्सा जो है नया अनुपात का 26/49। अब यहाँ पर इस प्रकार से हमें नया अनुपात प्राप्त हुआ किसका, यहाँ पर सुरेश का अनुपात हो गया 18/49, नरेश का अनुपात जो है निकाला 26/49 और यहाँ महेश का जो हिस्सा था वो कितना था निकाला हमने 5/49। तो इस प्रकार से 18:26:5 ये इनका नया अनुपात यहाँ पर हमने ज्ञात किया। तो ये तब की स्थिति में है जबकि एक नया साझेदार जो है अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है। तो यहाँ इस इन प्रश्नों के माध्यम से हमने ये जाना कि जो नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की जो गणना की स्थितियाँ हैं वो किस प्रकार से करते हैं, जिसमें हमने देखा जब केवल नए साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया हो और दूसरा जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है और तीसरी स्थिति जब यहाँ पर नया साझेदार अपने लाभ का भाग विद्यमान साझेदारों से क्रय करता है।